अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर भिवंडी से, कल की यह खबर है लेकिन हम आपको आज ये जरूर बताएंगे क्योंकि यहाँ पर एक नज़ारा जो हमने देखा उसके अंदर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी कार्यकर्ता की जो बेशिस्तपना यहाँ पर देखने को मिला वह देखकर शायद शरद पवार जी गाड़ी से तक उतरना नहीं मुनासिब समझे। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से लोगों ने झुंड मचा कर रखा हुआ था। हालांकि कल्याण में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें शरद पवार जी वहां पर पहुंचने वाले थे उस कार्यक्रम के लिए, लेकिन उनके स्वागत सत्कार के लिए भिवंडी से कार्यकर्ता भिवंडी बाईपास पर मौजूद थे। अपना हुड़दम उन्होंने मचाया हुआ था लेकिन शरद पवार जी गाड़ी से ज़रूर उतरते, उनसे मुलाकात करते, लेकिन बेशिस्तपना जो यहाँ पर दिखाई दिया वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कितनी दूरी पे लोगों को खड़ा होना चाहिए था वो तक वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जगह पर रुकने से पहले ही कार्यकर्ता उनके गाड़ी के पास दौड़ पड़े और वहाँ पर हुड़दम मचाने लगे। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। गाड़ी से उतरना भी शरद पवार जी ने मुनासिब नहीं समझा और वहां से तुरंत रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें कल्याण में जाना था। थोड़ा समय यहां पर दे सकते थे, कार्यकर्ताओं से बात कर सकते थे, मिल सकते थे, उनका पुष्पगुच्छ लेकर उनसे बातचीत कर भिवंडी के बारे में कुछ समझ सकते थे, बातें हो सकती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो हुड़दमपना था उसे देखकर उन्होंने अपना गेट तक नहीं खोला और कल्याण के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। इससे हम यही बताना चाहते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आता है उस वक्त भिवंडी के कार्यकर्ता इस तरह से अपना बेशिस्तपना दिखाते हैं कि उसे देखकर सामने वाला लीडर भी एक बार सोचता है कि मैं कौन से शहर आ गया। ढोल ताशा के साथ शरद पवार जी का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता मौजूद तो थे लेकिन उनका हुड़दमपना और बेशिस्तपना देखकर शायद ही शरद पवार जी ने गाड़ी से उतरना टाल दिया और कल्याण के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए।